सर कुछ हिस्से भी ठीक किया हमने लाइन में लाइनर लगा के, हाँ, और कुछ इसका जो ये इंसुलेटेड है ना ये क्लिप, ये ट्रैक सर्किटेड जोन में है, हाँ, तो इसका इंसुलेशन कट गया था। इंसुलेशन कहाँ से कट गया था? अच्छा, यहाँ से कट गया था। हाँ, अंदर की तरफ सर जो ये है ना, ये देखिए सर, ये वाला जो हिस्सा है अंदर तक गया है, ये केवल इस पर कवर प्लास्टिक का चढ़ा हुआ है, तो ये कट जाने से इंसुलेशन का काम ये कर रहा है लाइनर। अच्छा, लाइनर इंसुलेशन के लिए भी लगाया हुआ है। हाँ, इंसुलेशन के लिए ही, ताकि ट्रैक सर्किट फेर ना। और गेज सही करने के लिए भी लगाया है। गेज का भी मतलब, गेज सही करने के लिए लगा सकते हैं, गेज करने के लिए लगा सकते हैं, अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी अपन यहाँ पे दरियाबाद में हैं। ये लखनऊ डिवीज़न का एक स्टेशन पड़ता है जो कि आपके बारह मक्की फैजाबाद रूट पे। यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज पे काम कर रहे हैं। काम ये है कि ब्रिज के हमारे गर्डर का जो टॉप फ्लैंज है वो रस्टिंग उसमें हो गई है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने से पहले काफ़ी काम किए जा चुके हैं, जैसे कि रिवेट्स को की जगह पे यहाँ पे हमने टेम्प्रोरी बोल्ट लगाए। हालांकि टेम्प्रोरी नहीं रहेंगे, ये परमानेंट इस बोल्ट पे ही रहेंगे। अब इसमें नोटिस क्या किया कि ये हमारा रेल है, और रेल और ये हमारा इसकी फिटिंग्स हैं, फिटिंग्स और ये फिर रबड़ फिटिंग है, लेकिन साथ में इन्होंने एडिशनल लगा रखे हैं लाइनर्स, और लाइनर का नंबर है RT3707। इस लाइनर की आवश्यकता नहीं होती, ये लाइनर इनहेरेंट इसके लिए नहीं बना हुआ है, बट इन्होंने क्यों लगा रखा है, इसकी दो तीन वजहें हैं। एक वजह ये बताया गया कि लाइनर्स को यूज़ करके आप अलाइनमेंट को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हो, गेज को सही कर सकते हो, और दूसरा ये ट्रैक इंसुलेशन में है, यानी कि रेल में जो करंट चल रही है और ये जो आपका गर्डर है इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। गर्डर में कॉन्टैक्ट कहाँ से हो सकता है? यहाँ से इसमें बिजली आएगी, फिर यहाँ से गर्डर में जा सकती है, तो ये पार्ट इंसुलेशन का पार्ट है। तो कुछ जगहों पे यहाँ पे कट आने की वजह से भी सर्किटिंग हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी इन्होंने अलग से लाइनर लगा रखा है।